नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा तो इसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए ये कॉमिक्स को शुरू करते हैं। ये कॉमिक्स कर बुरा हो बुरा कॉमिक्स है, जो कि बाकेलाल हंसे सम्राट बाकेलाल की कॉमिक्स है। इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, जिसका पहला पार्ट मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप लोग वो पहला पार्ट आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस पहले पार्ट को जा करके सबसे पहले देखें, क्योंकि तभी ये पूरी की पूरी कहानी आपको समझ में आएगी। अगर आपने देख लिया है तो इस कॉमिक्स को यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए, पहले पार्ट में हमने इस कॉमिक्स को 20 पृष्ठ तक कवर कर लिया था, अब आगे देखते हैं। बाकेलाल सीधा राजा विक्रम सिंह के पास पहुंचा। महाराज, आपको तुरंत मेरे साथ चलना होगा। बाकेलाल, महाराज को कहाँ ले जाना चाहते हो? महाराज, अभी अभी मुझे पता चला है कि नागराज वासुकी की सवारी गुजरने वाली है। अगर राजा उसका फन खोलकर उसे दुग्धपान कराए तो संपूर्ण राज्य का कल्याण होता है और वो धन्य धान्य से भरपूर होता है। फिर तो मैं भी चलूँगी। नहीं महारानी जी, आप नहीं जा सकती, वहाँ पर स्त्रियों का होना वर्जित है। किंतु बाकेलाल, अगर मैंने सबका फन खोलने की चेष्टा की तो क्या वो मुझे डस नहीं लेगा? नहीं महाराज, संकट में फंसे एक सर्प के प्राण मेरे कारण बचे तो उसने मुझे सर्प मणि देते हुए आपके साथ ये विलक्षण कार्य करने का निमंत्रण दे दिया। इस मणि के कारण सर्प हमें डसेंगे नहीं और मैं ये अवसर हरगिज चुकना नहीं चाहता। राजा विक्रम सिंह को साथ लेकर बाकेलाल सूर्यास्त से कुछ ही देर पूर्व पुनः सर्प मानव के बताए उसी स्थान पर आ पहुंचा। महाराज, यही है वो स्थान। आखिरी बार अपने ईश्वर का स्मरण कर लें। हे हे, आखिरी बार? बाकेलाल, तुम्हारी बात का क्या अर्थ है? मेरी बात का अर्थ है महाराज कि इसके बाद आपको ईश्वर का नहीं, नागराज वासुकी का ही स्मरण करना है और उसे दुग्धपान कराना है। ओह अच्छा, बाकी अपने कुर्ते की जेब में झांक कर देख ले, सरपनी जेब में है या नहीं। है। मैं तो व्यर्थ ही डर रहा था, फिर भी सावधानी आवश्यक थी क्योंकि सर्प उसे काट लेंगे जिसके पास सरपनी नहीं होगी। सूर्यास्त के साथ ही नागराज वासुकी की सवारी निकल रही है महाराज, तो अब मैं क्या करूं? कृपया अतिशीघ्र चलकर नागराज वासुकी का दुग्धपान कराएं। किंतु बाकेलाल, ठीक है बाकेलाल, किंतु सर मुझे डस तो नहीं लेंगे, मैं भी तो आपके साथ हूँ महाराज। बाकेलाल विक्रम सिंह के साथ तेजी से आगे बढ़कर सर्पों के झुंड के बीच जा पहुंचा। महाराज, अतिशीघ्र वासुकी को दुग्धपान करावें ताकि वो आपको डस सके। राजा विक्रम सिंह ने झपट कर नागराज वासुकी का फन पकड़ा। मोटा तो अब मरे ही मरे, लो दुद्धू पी लो, ऐसा मुछड़ को डस क्यों नहीं रहा? पियो पियो साबस। अबे डसो, अबे डसते क्यों नहीं? अब तो लोटे में भरा दूध भी समाप्त होने को आ गया है, अबे डसते क्यों नहीं दुष्टो? लोटे में भरा दूध समाप्त हो गया। इसी के साथ एक विचित्र करिश्मा हुआ, सभी सर्पमानों में परिवर्तित होकर नाचने लगे। बधाई बधाई। नागराज पुत्र नाग बेटा की भूख हड़ताल टूट गई, संकट टल गया, तो फिर आज भंगड़ा पोन नू जीत करदा। बाकेलाल, तुमने क्या कहा? इस शोर में कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। ओए मुंडे भंगड़ा पांदे कुड़िया गुद्धा पावन। फूटी किस्मत, ये नाच गाकर मेरी फूटी किस्मत का जश्न मना रहे हैं महाराज। बूहू, भंगड़ा थम गया। तब हे मानो, तुमने नागपुत्र नागबेटा को जबरन दुग्धपान कराकर न सिर्फ संपूर्ण जाति को भयंकर एक बहुत ही भयंकर संकट में हे मानो तुमने नागपुत्र नागबेटा को जबरन दुग्धपान कराकर न सिर्फ संपूर्ण सर्प जाति को ही एक बहुत ही भयंकर संकट से बचा लिया है, बल्कि इस राज्य के राजा के प्राण भी संकट में पड़ने से बचा लिए हैं। हे, इस राज्य विशालगढ़ का राजा तो मैं ही हूँ, राजा विक्रम सिंह। ओह, फिर तो आपने अपने ही प्राण बचा लिए, कृपया कर मुझे पूरी बात बताएं। विवाह योग्य हो जाने पर नागपुत्र नागबेटा को कन्या पक्ष के लोग देखने आने लगे। ये क्या, ये तो त्रिमुहा है। बहु,
हाँ, किंतु हम आपसे 3 कन्याएं तो नहीं मांग रहे हैं। मेरी पुत्री सर्पा इन तीनों में से किस सर को अपना पति मानेगी? किंतु इसका धड़ तो एक ही है। हमें क्षमा करें महाराज नागराज, हमें वर जैसा वर नहीं चाहिए जिसकी कई सखाएं हो। अप्पा हुन चले दे हेंगे आह, पिताश्री हुन अप्पादा की हूँ हो। समस्या 2 सिरों की है पिताश्री। सर्पलोक के सभी नागरिकों के सिर एक वचन में है, मेरे बहुवचन में कैसे हैं? वो इसलिए पुत्र क्योंकि तेरे चाचा भी तेरे पिता हैं और तेरा ताऊ भी तेरा पिता था और मैं तो तेरा पिता हूँ ही। बू अप्पा कुछ समझे नहीं, ये पेचीदा पहेली मेरी समझ में नहीं आई पिताश्री। पुत्र एक वरदान के फलस्वरूप हम 3 भाइयों का विवाह एक ही कन्या से होना तय था और ऐसा ही हुआ। इसलिए जब तू पैदा हुआ तो हम 3 भाइयों का अंश तुझमें मौजूद था। तेरे जन्म के पश्चात तेरे 2 पिता और माता भी चल बसे, अब मैं बचा हूँ। ओह, ऋषि सर्पाचार्य ने बताया कि वत्स नागराज, इस संकट का हल है या तो फिर का क्या मतलब? हाँ वत्स नागराज, एक तो इसको चलेगी नहीं, या तो नाग बेटा का विवाह 3 सर्प कन्याओं के साथ कर दिया जाए या फिर छल का सहारा लेकर सर्प कुमार को एक ही सर कन्या पक्ष को दिखाया जाए, या तो फिर अपनी कुंडली से 3 सिरों का योग हटाने के लिए सर्प कुमार को एक मानव राजा को डसना होगा, या फिर इस श्राप से छुटकारा प्राप्त करने के लिए सर्प कुमार भूख हड़ताल करे और उसकी भूख हड़ताल किसी मानव राजा के हाथों तो स्वयं अपनी इच्छा से दुग्धपान से छूटे। इतने सारे या तो फिर। बहु नागराज ने छल का सहारा लेने की सोची। हमें आपका पुत्र पसंद है। पुत्र क्या तुम्हें कन्या पसंद है? जी हाँ पिताश्री, इतने मुश्किल से तो एक मिली है, हमें भी दिखाओ। ओह, ये तो 3 मुहा है। अब एक ही रास्ता था, सर्प कुमार भूख हड़ताल रहकर तपस्या करे। ठीक है, मैं भूख हड़ताल पर बैठता हूँ। किंतु 1 सप्ताह में ही सर्प कुमार की हालत खराब होने लगी। अब इस संकट से बचने के लिए अंतिम उपाय ही करना होगा, यानी किसी मानव राजा को डसना होगा। और इस प्रकार नागपुत्र सर्प कुमार नाग बेटा आपको ही डसने के लिए निकला था और आपने स्वयं ही उसे दुग्धपान कराकर उसकी कुंडली से 3 सिरों के यज्ञ को हटा दिया। वो देखो, सर्प कुमार के शेष 2 सिर गायब हो गए। किंतु अब तो संकट और गंभीर हो गया। मेरे बीच वाले सिर को रहना चाहिए था और आजू बाजू के सिरों को हटना चाहिए था, मगर बीच वाला और आजू वाला सिर हट गया, बाजू वाला रह गया। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरा सिर कंधे पर उगा हुआ है। बहु हूँ अप्पा दा की हूँ, अप्पा दा कुछ नहीं हो सकता। इस सिर को वापस अपने ठिकाने पर केवल सरपन ही ला सकती है जो डराऊ के पास है, और उसको तो एक ऋषि ने श्राप से पत्थर बना दिया था। अगर इस संकट का निवारण सरपमणि से ही हो सकता है तो समझो कि संकट का निवारण हो गया। हे, क्या मतलब? वो सरपमणि बाकेलाल के पास है। बाकेलाल, वो सरपमणि देना तो। हे, जी महाराज, ये लीजिए, यही तो है सर्पमणि। शीघ्र ही सर्पमणि के प्रभाव से मेरा सिर ठीक गर्दन के ऊपर आ गया। बेड़ा गर्क। हे, बेड़ा गर्क पर बेड़ा गर्क और सत्यानाश पर सत्यानाश हो रहा है। बू अगर मुझे पता होता कि यह सर्प मंडली मुच्छर को ही डसने जा रही है तो मैं मोटो को यहाँ सर्प को दुग्धपान कराने क्यों लाता? बाकेलाल, लानत है तुझ पर, गलती तेरी ही है। ना तू थूकता, ना डराव का सांप मिटता, ना वो तुझे सर्पमणि देता, ना तू ये योजना बनाता। अब पता चला जगह जगह पर थूकना कितना हानिकारक होता है। आपके कारण ये संकट टला है, हम आपको खाली हाथ नहीं जाने देंगे। वो देखिए, मुझे भी तो दो कुछ ना मुरा दो हीरे मोती। बाघेलाल, यह सर्पमणि अब तुम ही रखो, इसे तुम्हारे घर में कभी सांप नहीं आएगा, किंतु केंचुआ आ सकता है। बस इससे अधिक ये मणि अब किसी और काम की नहीं रही। बेड़ागर सत्यानाश। चलो बाघेलाल, रात हाँ को।
ओफ, इसमें तो अधिक हीरे मोती भरे हुए हैं। हमारा बैठने का स्थान भी बहुत मुश्किल से बन पाया है। रथ को झटका लगवाते हुए चलता हूँ ताकि कुछ हीरे मोती राह में गिरते चले, जिन्हें मैं तुरंत वापस आकर इकट्ठा कर लूंगा। बाकी लाल तुरंत वापस लौटा। चलो कुछ तो हाथ लगा, भगवान के नाम पर कुछ दे दे। कौन? मेरा नाम भंडाधार है, तो मैं क्या करूं? मुझे भीख दे, भगवान तुझे तरक्की देगा। शायद तुझे पता नहीं, विशालगढ़ में भीख मांगना अपराध है। पकड़वाऊं क्या? एक व्यक्ति से मैं 3 बार भीख मांगता हूँ। मैं तुमसे 2 बार भीख मांग चुका हूँ, अब 3री बार मांग रहा हूँ। भगवान के नाम पर कुछ दे दे। तुझे भीख मांगने की क्या आवश्यकता है? देख, नीचे हीरे मोती पड़े हैं, हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। थोड़ा सा कमर को कष्ट देकर झुका और उठा ले, इनसे तेरी सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी। नहीं, मैं ये सब नहीं उठाता। एक सांप के कारण मुझे भीख मांगकर ही अपनी गुजर बसर करनी पड़ती है। तूने 3 बार मांगने पर भी मुझे भीख नहीं दी, अब मैं तेरा बंटाधार करूंगा। बंटाधार हो क्या? मतलब तो तुझे अब थोड़ी ही देर में पता चल लग जाएगा, शायद कोई पागल है। तूने ठीक कहा, कोई पागल हो, पागल ही हाथ में आया हीरा मोतियों से। तूने ठीक कहा, कोई पागल ही हाथ में आया हीरे मोतियों का खजाना छोड़ेगा, मगर डाकू डाका सिंह हरगिज नहीं छोड़ेगा। सारे हीरे मोतियों पर अपना कब्जा कर लो। तब तक मैं इसके हाथ पांव तोड़ता हूँ ताकि यह शोर मचा ना सके। आह, बता, ये हीरे मोती तेरे पास कहाँ से आए? क्या यह आफत मुझ पर बंटाधार के कारण टूटी है? इससे अच्छा तो मैं उसे भीख दे देता। जल्दी बता, अन्यथा दरियाई घोड़े का ये भाई बेहयाई घोड़ा चारा तुझे अपने चारे की तरह चबा जाएगा। ये घोड़ा मुझे क्यों उठा रहा है? लगता है तू ऐसे नहीं बताएगा। चारा, इसे चबा जा। हिन, आह, नहीं ठहरो, मैं बताता हूँ कि बाकी हीरे जवाहरात कहाँ पर हैं। मैंने पूछा ही नहीं था। खैर बता डाकू, और क्या चाहिए? खैर बता बता डाकू को और क्या चाहिए? बाकी के बताने पर डाकू डाका सिंह वापस लौट गया। राजा का खजाना तो अब मैं लूट कर रहूंगा। अरे, अब कौन सी आफत टूट पड़ी मेरे सिर पर? काव काव, ओह, कौओं का घोंसला मेरे सिर पर गिर गया था। उसमें रखे अंडे टूटने से नाराज ये कौए मुझे ही अंडे टूटने का जिम्मेदार समझकर मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। सूचना, इस मात में शेर नहीं रहता है। कौओं से बचना है तो उस गुफा में घुस जा बाकेलाल। गुर, चले आओ, यहाँ तुम्हें कौवे से कोई खतरा नहीं है। सुख है जान बची। हाँ, मेरी भी, 3 दिन से भूखा हूँ। पाँव में मोच आ जाने से मान से बाहर नहीं निकल पाया था। शाम तक भोजन ना मिलता तो निसंदेह मेरे प्राण भी संकट में पड़ जाते। बाप रे, शेर! पर बाहर तो लिखा था कि इस मान में शेर नहीं रहता। बुहू, वो तो मैंने तुझ जैसे इंसानों और भोले भाले पशुओं को चकमा देने के लिए लिख दिया है, ताकि वो बेधड़क अंदर आ जाएं। आह गुर, ओह, इसका पंजा एकाएक मेरी गिरफ्त में आ गया, इस कारण ये तड़प उठा। इसका मतलब इसका पंजा इसकी दुर्बलता है। गुर, क्यों? आह, छोड़ दो पंजा, क्या जमाना पंजा, क्या जमाना, आह, छोड़ दो पंजा, जमाना क्या कहेगा। अब ये शेर से बिल्ली हो गया है, अब मुझे इसे पीछे धकेल कर भाग निकलना चाहिए। आह, अभी ना जाओ छोड़कर कि पेट अभी भरा नहीं। गुर, बाकी गुफा से निकलकर उसी दिशा में भागा जिस ओर बंटाधार गया था। शीघ्र ही, ठहरो ठहरो बंटाधार, तुम कुछ मांग रहे थे ना? मैं तो तुम्हें देने ही वाला था, तुम तो मेरे मजाक का बुरा मान गए। ये लो, ये एक हीरा मेरे कुर्ते की जेब में फंसा रह गया था, ये मैंने तुम्हें भीख में दे दिया। अब तुम्हारा मंटाधार नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार अवश्य हमारे महाराज से भीख अवश्य मांगो। ठीक है, जरूर मांगूंगा, ये तो मेरा धंधा है। अब आएगा मजा, मोटा मुच्छर राजा विक्रम सिंह बंटाधार को किसी भी मूल्य पर भीख नहीं देगा।
और तब बंटाधार करेगा उसका बंटाधार। हे। राजा का महल तो अभी दूर था। भगवान तुम्हारा भला करेगा, मुझे भीख दो। हे। लोग मुझे दानी के नाम से जानते हैं, मैं भीख नहीं दान देता हूँ, क्योंकि दान का पुण्य लगता है, भीख में दिया बंटे खाते हैं। मैं पुण्य इकट्ठे कर स्वर्ग जाने के चक्कर में हूँ, कई राज्यों में दान देता हुआ यहाँ आया हूँ, अब यहाँ पर दान दूंगा। तो मुझे भीख नहीं देगा? मेरे हाथ में मंत्रों की वो शक्ति है कि जो दान में मांगी गई कोई भी वस्तु तुरंत मांगने वाले को दे देती है। दान में तुझे जो चाहिए वो मांग, मगर मैं भीख तो बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो फिर जा, तेरा बंटाधार हो जाएगा, ईश्वर तेरा भला करे। बंटाधार क्रोध में भुनभुनाता हुआ वहां से चला गया। तब ओह, निर्धन लग कहाड़े, इन्हें दान अवश्य देना चाहिए। प्रियजनों, मेरा नाम दानी है, मैं तुम्हें भी दान देना चाहता हूँ, कृपया अपनी अपनी इच्छाएं व्यक्त करें। इस वक्त तो बड़ी भूख लगी है, अगर थोड़ा गुड़ चना हो तो वही दे दे, इसके हाथ तो खाली हैं, ये देगा कैसे? तू पेड़ क्यों गिनता है, फल खा। लो, तुमने गुड़ चना मांगा है, तुमने गुड़ चना मांगा था ना, ये लो गुड़ चना है। छी छी, ये तो गोबर है। गोबर? नहीं, ये नहीं हो सकता, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि जिसने जो मांगा है उसे वो ना दिया हो। गोबर ही देना था तो थोड़ा और दो, ताकि मैं थोड़े से उपले बना लूंगा जो चूल्हे के जलाने के काम आएंगे। नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम कुछ और मांगो, मुझे सोना दे दो। सोना दिया? अरे ये क्या, ये तो सो गया, किंतु मैं तो कीमती पीली धातु यानी सोना धातु दान में दिया था। इसका मतलब हुआ कि वो बंटाधार मेरे शक्तियों का बंटाधार कर गया, उसे फिर से ढूंढ कर भीख देनी होगी, कहाँ गया वो? बंटाधार राजा विक्रम सिंह के सामने जा पहुंचा। राजा, मुझे भीख दे। हे, अब आएगा मजा, अभी देता हूँ। सेनापति, ये भीख मांगने महल आया है, इसको कारावास में ले जाओ और 2 दिन तक भूखा रहने के बाद 2 माह बाद रिहा कर दो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों, पकड़ लो उसे। राजा, मुझे भीख दे, नहीं तो फिर हुन तेरा के हूँ। राजा, भीख दे। महाराज, आपने उसे बिल्कुल उचित दंड दिया है। भीख मांगने से इंसान मेहनत कष्ट नहीं रहता। राजा, तेरा बिंटा बंटाधार हो वो मारा। तभी महाराज, 100 साधियों की टोली आपसे मिलना चाहती है और आपको दीर्घायु का वर देना चाहती है, तो फिर चलो। इसका बंटाधार तो हुआ ही नहीं, मेरा तो तुरंत हो गया था। 100 साधियों की टोली, महाराज सिर झुकाकर हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिए, ताकि हम आपको सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे सके। अवश्य साधु जी, महाराज बंटाधार हुआ क्यों नहीं, किंतु जैसे ही विक्रम सिंह ने सिर झुकाया, ही, मैं हूँ डाकू डाका सिंह, हो गया ना राजा का बंटाधार, लूट लो खजाना। ही, पकड़ो, कोई डाकुओं को पकड़ो, सैनिकों, वो मारा डाकू डाका सिंह को इधर भेजने की मेरी योजना सफल हो गई। तो क्या उसको तुमने भेजा था बाकीलाल? वो नहीं, मेरा मतलब, ओह, ये मेरे मुंह से खुशी के मारे क्या निकल गया। बाकी दुष्ट, तू मेरी मृत्यु का कारण बन रहा है, आह, ये दर्द तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तभी, नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, कृपया आप महाराज, कृपया आप मुझे मुझे नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, महाराज आप कृपया कर मुझसे कुछ मांगे, मैं दानी हूँ, बड़े बड़े दान देता हूँ, मुझे दान देने का वर प्राप्त है, अगर तुम मुझे देना ही चाहते हो तो मुझे मौत दे दो, ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। आह, दूसरे पल, ओह, सारा दर्द पूर्ण छू हो गया, मैं ठीक हो गया, ये तो मेरा बंटाधार हो गया। ओह, मेरा बंटाधार हो जाने से मैं जो भी वस्तु दान में देने की सोचता हूँ उसके उलट वस्तु प्राप्त होता है। सत्य का पता लगते ही बंटाधार, ये लो, हमें नहीं पता था कि तुम भी किसी के साथ के मारे हो, इसलिए तो मैंने डाकू डाका सिंह को ईश्वर भेजा था, क्योंकि महाराज दानी से केवल सुख चैन मांगते और मिलता उल्टा, यानी दुख और बेचैनी। किंतु महाराज, 100 डाकुओं का दल शाही खजाना लूट रहा है, उसका क्या? सुबह सुबह का समय है, हमारे सभी सैनिक गंगा घाट पर नहाने गए हैं।
बंटाधार को डाकू डाका सिंह से भीख मांगने जाना चाहिए। मैं जाता हूँ, डाकू डाका सिंह मुझे भीख दे, मैं देना नहीं केवल छीनना जानता हूँ। इसी के साथ सभी डाकू स्वयं ही हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े गए। ये क्या, हम हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़े गए और मैं भीख मांगने के श्राप से मुक्त हो गया। यही मेरे श्राप की काट थी कि कोई डाकू मेरा कटोरा छीन ले। अगर बाकीलाल मुझे आपके पास ना भेजता तो मैं श्राप मुक्त ना हो पाता। बाकी दे पुच्ची बेड़ागर्क। बाकी सीधा शंकर भगवान के मंदिर में पहुंचा। हे शिव, भोले त्रिपुरारी, तू मेरा बेटा घर करने पर क्यों तुला है? मैं जिसका भी बुरा करता हूँ उसका हो जाता है भला। ये वरदान तूने ही तो मुझे दिया था, अपना वरदान वापस ले ले भोले शंकर। चश्मासुर ने एक एक दूसरे देखा था। ओह, तो ये बात है, अगर मैं शिव के वरदान के मारे इस बाकीलाल की मदद कर दूं तो मुझे भस्मासुर की शक्ति मिल सकती है जो हम राक्षसों को स्वर्ग का सिंहासन दिला सकता है। बाकेलाल जिसका भी बुरा करता है उसका भला हो जाने से बाकेलाल हर समय दुखी रहता है। अगर मैं शिव जी के वरदान को अपने कठमांडू शक्ति से काट दूं तो बाकी जिसका बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। और चूंकि ऐसा श्राप बाकेलाल को भगवान शंकर ने दिया है तो उस बुराई का पाप भगवान शंकर की ही मंगा भगवान शंकर को ही झेलना होगा। आठ काठ छाट बाट ठाट टाट बाट साठ काठ गाठ, शंकर की भक्ति में शक्ति, पैबंद वाला टाट बाके की शक्ति काट। हे। चश्मसूर की छोड़ी शक्ति सीधे बाकलाल से अटक रही, किंतु बाकलाल को इस बात का जरा भी आभास नहीं था। तो जिसका भी बुरा करता है उसका भला हो जाता है, तो फिर तू क्यों नहीं अपना ही बुरा करता है जिससे कि तेरा ही भला हो? उकाबों का खतरा, तो इस बार मैं अपने आप को उकाबों के खतरे में डालूंगा। उकाबू मुझे झपट कर ले जा रहा है, अब ये सीधा अपने घोंसले ले जाएगा जहां हो सकता है इसका भूखा परिवार उपस्थित हो, किंतु मेरा भला तो हो जाएगा ना? अगर नहीं हुआ तो बाकीलाल तेरा तो बंटाधार हो गया समझ। ओह, मेरा सोचना ठीक निकला, ये मुझे अपने विशालकाय टोकरी नुमा घोंसले में ले जा रहा है। बाकीलाल हूं तेरा की हूँ, देखा जाएगा। उकाब ने बाकीलाल को पानी की बूंद की तरह घोंसले में टपका दिया। क्वेक, ओह मानो क्वेक, जितना जितना ताजा खाना है खा लो, बाकी मांस धूप में सुखाकर बाद में खाने के लिए रख देंगे। बाके ने तो बुला ली थी अपनी ही मुसीबत, ये तो मुझे नोचे खसोटे जा रहे हैं, मेरा भला तो हो ही नहीं रहा। भस्मासुर भी मुसीबत में पड़ गया था। अरे ये क्या, मैं भस्म हो रहा हूं और मेरी राक्षस प्रजा भी, ये तूने क्या किया चश्मासुर? चश्मासुर ने कारण निवारण चश्मा लगा लिया। बचाओ बाकेलाल, ये क्या, बाकेलाल उकाबों के बीच फंसा है, इस बार उसने अपना ही बुरा कर लिया। सत्यानाश, उसके ऐसा करते ही हम भस्म होना शुरू हो गए। तुरंत शंकर भगवान प्रकट हुए। देख चश्मासुर, मेरे वरदान के प्रभाव की काटने का परिणाम अब तुझे भुगतना ही पड़ेगा। अगर बचना चाहते हो तो बाकीलाल से मेरे वरदान की काट हटा। हटाता हूँ वरदान की काट हटते ही, ओह हम साप मुक्त हो गए। बाकीलाल, मैं उकाबों का देवता बेकाबू हूँ। एक दिन उस उकाब परिवार ने भूखे से बेकाबू होकर एक ऋषि पर हमला कर दिया, तब मैंने इन्हें घास खाकर गुजारा करने की श्राप दे दिया। यह श्राप तभी टूटना था जब उकाबों के घाटे में कोई मानव आता और ये पूरा परिवार उसका शरीर नोचते। अब ये कभी मानव पर आक्रमण नहीं करेंगे। बाकीलाल वो देखो, उकाबों का खजाना, ये अब तुम्हारा है। खजाना? मैं तुम्हें खजाना सहित राजमहल पहुंचा देता हूँ। राजमहल? नहीं, अरे बाकीलाल तुम एकाएक कहाँ से टपक पड़े? और ये क्या, इतना भारी खजाना कहाँ से हाथ लगा? चलो प्रजा के सुख दुख के काम आएगा। बाकीलाल खजाना सेनापति खजाना राजकोष में जमा करवा दो। बाके दे पुच्ची बेड़ागर सत्यानाश। बेड़ागर तो इधर भी हुआ था। चश्मासुर, अब अगर तूने मानव या देवताओं के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया तो षड्यंत्र के विषय में सोचते ही तू भस्मीभूत हो जाएगा। ही हुनप्पा चल दे हेंगे आह, ता फिर हुन अप्पा दा कुछ नहीं हो सकता। इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। मिलते हैं एक नई कॉमिक्स के साथ, तो तब तक के लिए इस कॉमिक्स को यहीं पे ख़त्म करते हैं। चलिए।